हाय रिया, तुम बताओ कैसे हो? एकदम बढ़िया। अच्छा एक मिनट। हाँ अच्छा हाँ, ये तुम्हारा रेंट अभी यही रख लो, मेरे पास इतना ही है, बाद में मैं तुम्हें पूरा रेंट दे दूंगी। इट्स ओके रिया, एंड थैंक्स फॉर द स्कूटी। क्या है, कल इसने मेरा बहुत साथ दिया। अगर ये नहीं होती तो ईशा कल टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंच पाती। यू आर ऑलवेज वेलकम हर्षित। चलो सी यू, बाय। ओके गर्ल्स, सभी ने आज बहुत अच्छा किया, कल हम वापस और अच्छा करेंगे, ठीक है? ओके बाय बाय। हे रिया लिसन, मैंने सोचा नहीं था तुम्हारा सेशन इतना इम्प्रेसिव होगा। थैंक यू सो मच, वैसे तुमने भी बहुत अच्छा किया है, इट वाज अ गुड स्टार्ट। थैंक यू, तुम्हारे मम्मी पापा कितने मॉडर्न सोच वाले हैं, तुम्हें जिम की परमिशन दे दी, अमेजिंग। नहीं यार, इतनी आसानी से नहीं मिली परमिशन, बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं मुझे। एनीवेज, तुम कैसे जा रही हो, मींस हाउ डू यू ट्रैवल? वो देखो मेरी स्कूटी है ना, वही मुझे पूरा शहर घुमाती है। तुम कैसे आई हो? ऐसी एक स्कूटी मेरे पास भी है, वो देखो। चलो बाय बाय, सी यू, मिलते हैं, नाइस टू मीट यू। हाय रिया। पहचाना मुझे? पहचाना कि नहीं? तू शायद मुझे भूल गई होगी, लेकिन मैं तुझे नहीं भूला हूं। मुझे इस तरह क्यों लेके आए हो यहाँ पे? वो मुझसे बेहतर तुम जानती हो।
पिछले एक साल में कहां कहां नहीं ढूंढा है तुझे, और तुम मुझे मिली हो अब, वो भी यहां इस शहर में। बचाओ बचाओ बचाओ, चिल्लाओ मत, और एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हें यहां सुनने वाला भी कोई नहीं है और बचाने भी कोई नहीं आएगा। क्या देख रहा है? अरे कुछ नहीं है। एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज टेल मी वेयर इज बीएससी फर्स्ट ईयर क्लासरूम? फर्स्ट ईयर फ्रेशर? हाँ, सो कैन यू प्लीज, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो शायद मैं उसको रास्ता बता देता, लेकिन 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 क्या? लेकिन ये मैडम कि अगर मैं आपको सिर्फ रास्ता बता दूं तो ये इस कॉलेज की और आप जैसी खूबसूरत लड़की की इंसल्ट होगी। सो व्हाट? सो मैडम, ये बंदा आपको आपके क्लासरूम तक खुद लेकर जाएगा। प्लीज, क्या बात है, वाह। हाय, आई एम यश। हाय, मैं इसी कॉलेज में बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। आई एम रिया। ओके, मैं शहर में नई आई हूँ। ओह ग्रेट, सो हमारा कॉलेज पसंद आया तुम्हें? हाँ, नाम तो बहुत सुना था पर आज देख भी लिया। वैसे एक बात बताऊँ, यहाँ के लोग भी पसंद आएंगे तुम्हें। ओह सीरियसली? यस, बाय द वे योर क्लासरूम। ओके, थैंक यू सो मच यश। प्लीज। यस भाई, मतलब अरे यश ब्रो, पहली गेंद में क्लीन बॉल्ड। अरे हाँ? क्या बताऊ भाई लोग यार, अपना जलवा ही कुछ ऐसा है, लेकिन इस लड़की में कुछ बात है यार, मतलब इसे देख के ना दिल में घंटी बज गई। सही है, दिल में दर्द हो रहा है। बज गई घंटी, चलो अपना तो लेक्चर है। अरे वो सब तो ठीक है। क्या अपना ब्रो किधर है? रोज तो टाइम पे आ जाता है। वो देख आ गया अपना ब्रो। बॉयज, कैसा है पब्लिक? अरे मुझे एक बात बताओ, अंजलि कहाँ है? अरे वो तो पढ़ाकू है, क्लास अटेंड करने चली गई है। और तुम लोगों का यहाँ टाइम पास चल रहा है, क्लास वास ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं? करने का ना भाई। यार आपका ही वेट कर रहे थे। एक सेकंड, तुम में और मुझ में फर्क है, मेरा तो लास्ट ईयर चल रहा है, जैसे ये प्रोजेक्ट खत्म अपना तो टाटा बाय बाय। तुम लोग याद रखना, तुम लोग का 2 साल अभी भी बाकी है, याद है ना? याद है ना ब्रो। चलो चलो निकलते हैं क्लास में और शाम को मिलते हैं। अरे यश, तूने तो उसे अभी खाली क्लासरूम ही घुमाया है। हाँ तो अभी पूरी कॉलेज भी तो घुमा। ए भाई, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं आया। अरे ये भाई तो नाराज हो गया। भाई को प्यार हो गया, समझा कर। ए रिया, चल अपन चलते हैं। हाँ,
बातें जो तुमने की आंखों ही आंखों में छाया है कैसा खुमार चढ़ा मुझे इश्क का बुखार चढ़ा मुझे इश्क का बुखार सपनों में मुझे अरे कॉलेज नहीं जाना है क्या सॉरी सॉरी हाय रिया हाय यहाँ क्या कर रही हो वेटिंग फॉर यश बस कुछ नहीं अभी क्लास कंप्लीट हुई तो थोड़ा चिल कर रही थी बाय द वे आई एम संदीप सैंडी तुम्हें कौन नहीं जानता है कॉलेज के बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो हर एक्टिविटी में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट रहता है ह्यूमन साइकोलॉजी में PhD ओ माय गॉड हर कोई तुम्हारा दोस्त बनना चाहता है या ये कहूँ कि तुम हर किसी के दोस्त हो उसी दोस्ती के नाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ तुम जिसके साथ हैंग आउट कर रही हो ना यश हाँ यश वो ही इज नॉट अ गुड बॉय उसकी इमेज एक फ्लड की है और यहाँ की अधिकतर लड़कियां वो घुमा चुका है मैं तो सिर्फ तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ मेरी मानो तो डोंट बी सो क्लोज टू हिम ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम हिम सैंडी आई नो तुम हर किसी का भला चाहते हो पर मैं इतनी समझदार तो हूँ ना कि अपना खुद का भला बुरा अच्छे से जानती हूँ हाँ सो प्लीज डोंट इंटरफेयर इन माय पर्सनल लाइफ मेरा काम है सिर्फ तुम्हें समझाना बाकी तुम तो समझदार हो ऑलराइट बाय बाय हाय यश हाय स्वीटहार्ट कैसी हो तुम मुझे बिना बताए चले गए ना वेरी बैड अरे नहीं जान एक अर्जेंट कॉल आ गया था इसलिए जाना पड़ा अच्छा एक बात बताओ ये सैंडी कैसा लड़का है ओहो तो उससे मुलाकात हो गई तुम्हारी हाँ
और तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है उसने। मेरे बारे में क्या? यही कि तुमसे ज्यादा नजदीकियां ना बढ़ाऊं, तुम्हारी इमेज अच्छी नहीं है, काफी लड़कियों को घुमा चुके हो और अब मेरी बारी है, और यही वॉर्न कर रहा था कि मैं तुमसे दूर रहूं। ऐसा? अच्छा छोड़ो, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे करती हो ना? Yes, I do. Then trust me. पर तुम सच में ऐसे तो नहीं हो ना? अरे नहीं बेबी, relax. I really love you. और don't pay attention to his words, okay? अच्छा उसको छोड़ो, आज शाम को क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। तो तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? Just to hang out. मम्मी से परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे। अरे कुछ भी बोल देना, किसी फ्रेंड के यहाँ पे जा रही हूँ। ओके, डन। ग्रेट। अच्छा तो मैं ठीक 7 बजे तुम्हें तुम्हारे घर पे लेने आऊंगा, ओके? बी रेडी। हाँ, बाय बाय। तुम ये सोच रहे होगी ना कि पहले मैं तुम्हें इस तरह से लेके आया और अब तुम्हारी केयर कर रहा हूँ। हाँ तू नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा खाना, नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। इस तरह से मुझ पर एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही अच्छा बनने का शौक है तो मुझे जाने क्यों नहीं देते हो? जब तक मैं नहीं चाहूंगा यहाँ से कोई नहीं जा सकता। अब भलाई इसी में है कि चुपचाप खाना खा लो। हे भगवान, कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? अच्छा हाँ हाँ, सुनो जल्दी करिएगा सर। हे भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक सर, ओके सुनो सर, ओके। सुनो, आप किससे बात कर रहे हो? आपको अपनी बच्ची का कोई ख्याल है कि नहीं? अरे अपनी बेटी की चिंता क्यों नहीं होगी मुझे, पुलिस इंस्पेक्टर से तो बात कर रहा था मैं इस बारे में। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा FIR लॉन्च कर ली है हमने और कहा है कि 1 घंटा वेट कर लें, अपने किसी फ्रेंड के यहाँ चली गई होगी। ऐसे कैसे चली जाएगी, बिना बताए कहीं जाती भी नहीं है, और आज तो उसकी कोई क्लास भी नहीं थी, वो सीधी घर आनी चाहिए थी, अभी तक आई क्यों नहीं? ऊपर से उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हे भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा सुनो, तुम्हें वो लड़का याद है? लड़का? हाँ वही लड़का। Thank you.
हेलो 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 मम्मी प्लीज बचा लो मुझे, हेलो मम्मी, हेलो हेलो मम्मी प्लीज बचा लो मुझे। बोला था ना ऐसी गलती मत करना। हाँ एक गलती तो तूने पहले ही कर दी, एक गलती तो तूने पहले ही कर दी। बोला था ना? हाँ बोला था कि नहीं? हाँ कितनी बार कहा तुझे मत भागना मत भागना, लेकिन समझ में नहीं आई। हाँ तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम्हारी वजह से मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। तो तुम मुझसे बदला लेने आए हो? बदला? बदला नहीं, तुमने मुझ पे रेप का इल्जाम लगाया था ना, रेप का। आज मैं तुमको बताऊंगा कि हकीकत क्या होती है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ दो मुझे। तुम्हारी वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मैंने कहा था ना उस लड़के से दूर रहना, कहा था कि नहीं? ज्यादा नजदीकियां मत बढ़ाना, लेकिन तुमने किसी की नहीं मानी। तुमने अपने मन की करी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा मुझे। याद है ना वो रात? तुम्हें याद हो ना हो पर मैं वो रात कभी नहीं भूल सकता। हर रोज की तरह उस रात भी मैं अपने हॉस्टल पहुंचा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि एक साजिश मेरा इंतजार कर रही है। हेलो विकी ब्रो, जस्ट डू मी ए फेवर प्लीज, तेरे घर के सामने जो चाबी वाला रहता है ना उसका नंबर भेजेगा मेरे को? अरे पता नहीं यार, मेरे रूम की चाबी खो गई, आई मिसप्लेस्ड इट। हाँ भेज देना यार प्लीज। ओके हेलो हाँ विक्की ने नंबर भेजा आपका, अभी आ सकते हो क्या आप? हाँ अभी 15 मिनट। अरे यार यश 15 मिनट? हाँ ठीक है आ जाओ आ जाओ, ठीक है ओके ओके नो प्रॉब्लम, आ जाओ आ जाओ।
यश ब्रो, यश ब्रो, ओपन द डोर मैन। यश क्या हुआ ब्रो? व्हाट्स अप? क्या हुआ ब्रो? क्या क्या ब्रो? इट्स माय। हाँ तो तू अपना काम तो चल, निकल निकल ब्रो, तू बहुत गलत कर रहा है। ए बस क्या, चल निकल ब्रो। ब्रो तू गलत कर रहा है ब्रो। ब्रो तो क्या बोल रहा है ब्रो? यश यश रिया रिया कम ऑन, गेट अप रिया, आर यू ऑलराइट रिया? रिया वो लड़का सही नहीं है रिया, कम ऑन रिया, कम ऑन गेट अप। हे ब्रो, सर रिया, रिया आर यू ओके? वाह बेटा, एक तो लड़की के साथ गलत काम किया और खुद ही पूछ रहे हो आर यू ओके? नहीं सर, नहीं नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं सर, मैंने तो उसे छुआ भी नहीं। रिया रिया फिर से बताओ क्या हुआ था? उसी ने बताया है कि कल रात तुमने इसके साथ क्या किया। नहीं सर, आपको कुछ गलत फहमी हुई है सर, वो तो यश था। मैं रिया प्लीज बताओ ना क्या हुआ था रिया प्लीज। वो तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा बेटा, तब तक हमारे मेहमान बन के रहो। मैं रिया प्लीज। उसके बाद 2 दिन मुझे जेल में बिताने पड़े। मेडिकल रिपोर्ट से यह तो साबित हो गया कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ यश, तुम्हारा यश। यश ने सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए यह खेल खेला था, बिना कोई गुनाह किए मेरी इज्जत सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। ब्रो, देर से एक्सपेक्ट नहीं किया था यार। अरे सैंडी, तुम्हारे बारे में सुन के बहुत बुरा लगा यार। इट्स ओके यार, थैंक्स। जब मैं जेल से बाहर आया तो सभी मुझसे नफरत करने लगे। ये तुमने क्या किया सैंडी, इट्स डिस्गस्टिंग। छे, अरे सुन, ये वही लड़का है ना जिसका नाम अपने वर्मा जी की लड़की के साथ जुड़ा था? हाँ यार, कितना बेशरम एक शान से घूम रहा है। बताओ, इसके कारण उस लड़की की सारी जिंदगी खराब हो गई और कितने आराम से घूम रहा है बेशरम मुझे सर। मतलब ऐसे लोगों का तो समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मेरे मन में एक डर था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन प्रिंसिपल सर ने मेरा साथ दिया और मैंने अपनी पढ़ाई कम्प्लीट की। बेटा, तुम इस कॉलेज के बहुत अच्छे और होनहार स्टूडेंट हो, इसीलिए एक और मौका मैं देना चाह रहा हूँ तुमको। ओके सर, थैंक यू। मैंने जिंदगी में किसी के साथ बुरा नहीं किया। लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया रिया? सैंडी, प्लीज सैंडी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था यश के मन में तुम्हारे लिए इतना सारा जहर है। प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ यश ने ये सब क्यों किया था। उस शाम को वो लेने मुझे घर भी आया था। वहां से वो मुझे एक क्लब में ले गया और मेरे ना चाहते हुए भी उसने मुझे शराब पिलाई। जब मुझे नशा चढ़ने लगा तो वो मुझे कहीं ले गया, तुम्हारे हॉस्टल में।
शायद उसके पास तुम्हारे कमरे की चाबी थी। जब मुझे सुबह होश आया तो मैंने तुम्हें अपने पास पाया और मैं गलत समझ बैठी। उस दिन के बाद से यश का कोई पता नहीं चला। मैंने उससे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करी पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैं उससे प्यार करने लगी थी लेकिन उसने मेरा गलत फायदा उठाया। मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। लेकिन सैंडी अब मैं सब जान गई हूँ। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं अब पुलिस को सब सच बता दूंगी कि तुम बेकसूर हो और असली गुनहगार यश है। लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब भगवान ने उसे उसके कर्मों की सजा दे दी है। जब मैं तुम्हें ढूंढ रहा था तो पता चला कि एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। यस सर, श्योर सर, श्योर सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है जब पुलिस को रिया की लोकेशन मिल गई है तो वो उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है। देखो वो अपना काम कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, लोकेशन ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी बच्ची, चिंता मत करो, तुम थोड़ी सी हिम्मत रखो। यस सर, श्योर सर, श्योर सर। मिस्टर वर्मा, मुझे लगता है आपने जिस लड़के के बारे में मुझे बताया था शायद ये उसी का काम है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया सैंडी। तुमने हमेशा मेरा एक अच्छे दोस्त की तरह साथ दिया लेकिन मैंने तुम्हारे साथ प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं फिर से कहता हूँ रिया, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसके बाद तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं कल सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। सुबह? सुबह क्यों? मुझे मेरी बेटी अभी चाहिए। देखिए मिसेज वर्मा, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ लेकिन ये टेक्निकल चीजें हैं। एक्चुअली रिया ने जिस मोबाइल से फोन किया था वो 10 सेकंड बाद स्विच ऑफ हो गया, इसलिए लोकेशन की डिटेल्स तो कल सुबह ही हमारे पास आ पाएंगी। आपको कानून के हवाले कर दो। इंस्पेक्टर, सैंडी निर्दोष है। सैंडी ने कुछ नहीं किया, वो तो खुद मुझे घर छोड़ने आ रहा था। लेकिन उसने कानून अपने हाथ में लिया है इसलिए फिलहाल उसे अभी हमारे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी सैंडी। एक साल से जो गुनाह मैंने नहीं किया उसकी सजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। सब लोग मुझे गलत मानने लगे थे लेकिन देखो मैंने आज क्या कर दिया। तुम्हारी एक गलती ने मुझे बेकसूर होते हुए भी आज कसूरवार बना ही दिया। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो सैंडी? जाओ जाओ, एक बुरा सपना समझकर भूल जाना। तुम जिसके साथ हैंगआउट कर रही हो ना, ही इज नॉट अ गुड बॉय। आपको खुद को गलतफहमी हुई है सर। वो तो कर रहा है। ये बस क्या रिया, प्लीज बताओ ना क्या हुआ था। सैंडी उठो, सैंडी उठ जाओ, सैंडी प्लीज उठ जाओ।
बाय द वे आई एम संदीप। तुम जिसके साथ हैंग आउट कर रही हो ना, यश? हाँ यश, वो ही इज नॉट अ गुड बॉय। मेरी मानो तो डोंट बी सो क्लोज टू हिम।